हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और आज फ्राइडे है, आज हम वर्ल्ड लिटरेचर देखते हैं और उसमें हम ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर कर रहे हैं। सो ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर का एक इम्पॉर्टेंट नाम पीटर फिलिप कैरी हैं, और इनके अलावा एक दो और राइटर्स हैं जिनको हमें कवर करना है, अदरवाइज फिर ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर ख़त्म हम करेंगे। और अगर आप बोलोगे किसी और को भी उनके बारे में बताने को, तो फिर हम उस पर जाएंगे, अदरवाइज़ फिर हम अफ्रीकन लिटरेचर पर स्विच करेंगे। तो पीटर फिलिप कैरी की अगर हम बात करें तो इनका बर्थ होता है 7 मई 1943 विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, एंड ये जो हैं ऑस्ट्रेलियन नॉवलिस्ट हैं। और कैरी इज़ वन ऑफ ओनली 5 राइटर्स टू हैव वन द बुकर प्राइज ट्वाइस। ठीक है, कैरी के साथ साथ 4 और ऐसे राइटर्स हैं जिनको 2 बार बुकर प्राइज मिला है। उनका नाम है जे जी फेरल, जे एम कोडसी, हिलेरी मेंटले, मैग्रेट एटवुड और पीटर फिलिप कैरी। तो ये 5 ऐसे राइटर्स हैं जिनको बुकर प्राइज 2 बार मिला है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देन कैरी वन हिज फर्स्ट बुकर प्राइज इन 1988 फॉर ऑस्कर एंड ल्यूसिंडा। ऑस्कर एंड लिसिंडा के लिए इनको सबसे पहले बुकर प्राइज मिला 1988 में, और सेकेंड टाइम इनको मिला 2001 में फॉर द हिस्ट्री, ट्रू हिस्ट्री ऑफ कैली गैंग। ठीक है, ट्रू हिस्ट्री ऑफ द कैली गैंग के लिए इनको दोबारा बुकर प्राइज मिला है 2001 में। In May 2008, he was nominated for the Best of Booker Prize. So, इनको Best of Booker Prize के लिए भी नॉमिनेट किया गया था 2008 में। अब इनके अगर इम्पॉर्टेंट वर्क के बारे में बात करें तो कॉन्टेक्ट्स स्टार्ट्स हियर एंड हियर, द फ्यूटिलिटी मशीन, वॉग, एडवेंचर ऑन बोर्ड द मैरी, ये सारे जो इनके वर्क हैं ये स्टोरीज़ हैं, और ये अनपब्लिश्ड मैन्यूस्क्रिप्ट हैं जो कि अभी फ़िलहाल फेरे लाइब्रेरी एट यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में मतलब हैं। और इनमें से सिर्फ कॉन्टेक्स्ट के कुछ शॉर्ट एक्सट्रैक्ट या कुछ एक दो चीज़ें जो है पब्लिश हुई थी 1960 में, अदरवाइज़ ये सारी जो इनके वर्क हैं वो अनपब्लिश्ड हैं। He used to publish short stories in magazines and newspapers such as Nation Review. Nation Review magazine में इन्होंने अपने short stories को publish किया है. Most of these were collected in his first book, The Fat Man in History, which appeared in 1974. The Fat Man in History 1974 में इनका जो book आया, ये collection of short stories हैं. ठीक है, वॉर क्राइम 1979 में आया, ये भी कलेक्शन ऑफ इनकी स्टोरीज़ का ही कलेक्शन है। अब पहला नॉवेल इनका पब्लिश होता है 1981 में, और उसका नाम था ब्लिस। ब्लिस बुक वन, ये जो किताब है ब्लिस जो नॉवेल है, ये मिल्स फ्रैंकलिन अवार्ड जीत चुकी है। रिटन एज अ डार्क कॉमिक फैबल, द स्टोरी कंसर्न एन एडवर्सिटिंग एग्जीक्यूटिव हैरी जॉय हु ब्रीफली डाइज ऑफ हार्ट अटैक। तो ब्लिस के जो मेन कैरेक्टर हैं वो हैं हैरी जॉय। फिर इनका जो दूसरा नॉवेल है वो इली वेकर है, जो कि 1985 में आया, ये शॉर्टलिस्ट किया गया बुकर प्राइज के लिए, और ये मेटाफिक्शन और मैजिकल रियलिज्म इसको बोला जाता है। द नॉवेल नरेट्स अ लायर, ट्रिक्स्टर एंड कॉन्फिडेंस मैन, हार्बर्ट बैडग्रे। सो हार्बर्ट बैडग्रे जो है इसके मेन कैरेक्टर हैं, और इली वेकर जो है इसी का नाम है, हार्बर्ट बैडग्रे का। आफ्टर दैट ऑस्कर एंड ल्यूसिंडा, उसके बाद जो इनकी वर्क आई, जो नॉवेल आई, वो थी ऑस्कर एंड ल्यूसिंडा 1988 में, और ऑस्कर एंड ल्यूसिंडा जो है इसके लिए इनको बुकर प्राइज मिला है 1988 में ही, और मिल्स फ्रैंकलिन अवार्ड भी मिला इसको 1989 में, और इसी बुक को शॉर्टलिस्ट किया गया था फॉर बेस्ट ऑफ द बुकर। ये जो नॉवेल है ये पार्टली इंस्पायर्ड है फादर एंड द सन, ये ऑटोबायोग्राफी है एडमंड गॉस की। तो एडमंड गॉस के जो ऑटोबायोग्राफी है फादर एंड द सन, उसी से ये जो नॉवेल है ऑस्कर एंड ल्यूसिंडा, ये जो है इंस्पायर्ड है। ठीक है, और इसमें जो स्टोरी है वो ऑस्कर हॉपकिंस की स्टोरी है। और फिर उसके बाद इनकी नॉवेल आती है द टैक्स इंस्पेक्टर। टैक्स इंस्पेक्टर 1991 में आती है, इसको इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया था लेकिन इसको कंप्लीट किया था यूएस में, और इसीलिए ये फर्स्ट बुक है इनकी जो यूएस में इन्होंने कंप्लीट किया। उसके बाद इस नॉवेल के बाद इनकी जो दूसरी नॉवेल आती है वो है द अनयूजुअल लाइफ ऑफ ट्रिस्टम स्मिथ 1994 में। द प्रिंसिपल कैरेक्टर एंड नैरेटर इज अ बॉय, ट्रिस्टन स्मिथ,
जो कि मैल फॉर्मेशन, मतलब जिस जो कि मैल फॉर्मेशन के साथ बॉर्न हुआ है, कुछ उसके बॉडी में कुछ दिक्कत है उसके साथ वो बॉर्न हुआ है. एंड दिस वर्क एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका, ये चीज़. और इसमें इफिका एंड वूरस्टैंड, ये दो जगह हैं जो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके बीच के रिलेशनशिप को हमारे सामने रखते हैं. फिर नेक्स्ट जो इनका इंपॉर्टेंट नॉवल है वो है जैक मैग्स, 1997 में आया, एंड इट इज़ अ रीवर्किंग ऑफ चार्ल्स डिकेंस नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेशन. तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा. यही ऐसे ही क्वेश्चन जो है नेट में पूछे जाते हैं कि चार्ल्स डिकेंस की जो नॉवेल है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, उस पे बेस्ड था इनका जैक जैक मैग्स. और द स्टोरी सेंटर अराउंड जैक मैग्स, इक्विवेलेंट टू मैगविच, जो कि चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशन के कैरेक्टर हैं, एंड हिज क्वेस्ट टू मीट हिज सन हैरी फिप्स, जो कि फिप जो है वो इक्विवेलेंट है पिप के. फिर नेक्स्ट जो इनका वर्क है ट्रू हिस्ट्री ऑफ द कैली गैंग, 2000 में आता है, लूजली बेस्ड ऑन द हिस्ट्री ऑफ कैली गैंग. एंड इसको दोबारा इन इस वर्क के लिए इनको दोबारा जो है नोबेल प्राइज मिलता है. और इसका जो मेन कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर इसमें है वो है नेड कैली. उसके बाद जो नेक्स्ट इनका नॉवेल है माई लाइफ एज अ फेक, 2003 में, बेस्ड ऑन अर्न मैले हॉक्स ऑफ 1943. एक हॉक्स पे बेस्ड है जिसमें इन मतलब ये जो हॉक्स था वो क्या था, इन इसमें दो पोइट्स ने एक फिक्टिशियस पोइट क्रिएट किया था अर्न मैले, और उसकी एंड सबमिटेड पोएम इन हिज नेम टू द लाइब्रेरी मैगजीन एंग्री पेंगविंस. ठीक है, ये एक तरीके का हॉक्स था, उसी पे ये जो इनका वर्क है वो बेस्ड है. फिर थेफ्ट अ लव स्टोरी, 2006, ये स्टोरी है माइकल बूचर बून की, एंड इसको वेंस पल्मर प्राइज भी मिला है. फिर हिज इलीगल सेल्फ, 2008 में, और इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है चेक सेलक्रिक. फिर पैरेट एंड ओलिवर इन अमेरिका, 2010, इसको भी शॉर्टलिस्ट किया गया था मैन बुकर प्राइज के लिए. उसके बाद जो 2012 में इसका इनका नॉवेल आया द केमिस्ट्री ऑफ टीयर्स, और 2014 में एमनीशिया करके इनका एक वर्क आया जो कि एक यंग कंप्यूटर हैकर के ऊपर की स्टोरी है जिनका नाम है गैबी बेलेक्स्यू. फिर बेलिक्स, हाँ, देन इनका जो लास्ट वर्क है या लास्ट नॉवेल है, मतलब अभी इनकी डेथ नहीं हुई है लेकिन अब जो इनका लास्ट वर्क है वो है अ लॉन्ग वे फ्रॉम होम, जो कि 2017 में आया था. सो इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है. आई होप कि ये सारे फैक्ट्स आप जॉट डाउन कर दोगे और अच्छे से उसको जहाँ फैक्ट की ज़रूरत होगी आप याद करोगे. सो इसके साथ अगर आपको ऑस्ट्रेलियन पोएट्स या ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर में कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूँगी कि उस पर मैं आपको वीडियो बना के दे सकूँ. और इसके बाद एक और पोएट हम करेंगे, एक नॉट पोएट, एक और ऑथर हम करेंगे, और उसके बाद हम अमेरिकन सॉरी अफ्रीकन लिटरेचर को कंटिन्यू करेंगे इन वर्ल्ड लिटरेचर. तो फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे से हम एक और ऑस्ट्रेलियन पोएट के बाद, ऑथर के बाद, अफ्रीकन लिटरेचर को कंटिन्यू करेंगे. सो इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है. तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए. स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.